तो मोनीश सिसोदिया जो हैं, ये शराब मंत्री शराब घोटाले में फंसे, इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी गई है। और दूसरे जो सत्येंद्र जैन 11 महीने से जेल में हैं, जिनको भारत रत्न देने की बात श्रीमान अरविंद केजरीवाल करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी जो कल कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूँगा बंगला नहीं लूँगा, केवल सिर्फ 45 करोड़ रुपये केवल रेनोवेशन पर खर्च किए, सिर्फ ओनली मीगर 45 करोड़ रुपीज। पर्दा आपके किसी के घर में 8 लाख रुपए का लगा है? एक पर्दा किसी के घर में 8 लाख का पर्दा लगा है क्या? 2 करोड़ रुपए का मार्बल विदेश से मंगाया और 3 करोड़ की मजदूरी लगी हो, 9 करोड़ रुपए की वुडन वॉल्स क्रिएट करके दी गई हो, 45 करोड़ रुपए दिल्ली के कई क्षेत्रों में लोग पानी के लिए तरसते हैं, अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल बना लिया, रोज पानी बदलते हैं उसमें, जो कल तक 2 रुपए की कंघी जेब में डालकर चलते थे आज 5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना के अपने लिए कुछ वहां पे नहाने का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए कहते कुछ थे करते कुछ हैं, और एक के बाद इनका दूसरे घोटाले में आरोप ही नहीं सिद्ध भी हो रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आज आपके चैनल पे मैं फिर कहता हूं, मुख्य आरोपी मोनीश सिसोदिया हो सकते हैं लेकिन किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल ही है। उनकी हड़बड़ाहट, उनकी बोली, उनकी भाषा ये स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि उनको घबराहट है कि जहां उनके 2 मित्र हैं तीसरे भी वहां पहुंचेंगे। मैं तो एक नहीं, आपने मुझे 2 हेडलाइंस दे दिए, ये भी आप कुछ कह रहे हैं बोल दीजिए। पैसे यहां लगा दिए करोड़ रुपए लेकिन रहना कहीं और पड़ेगा जाके। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जनता बहुत समझदार है सब जानती है। नहीं, जनता सुनना चाहती है आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी मन की बात सामने रख लीजिए प्लीज। व्हाट आर यू सेइंग? यू आर सेइंग अरविंद केजरीवाल विल हैव टू गो टू जेल? देखिए जिसने अपराध किया होता है, भ्रष्टाचार किया होता है, वो ना इस देश में बचा है ना आगे बचना चाहिए। अगर लालू जी चले गए, जयललिता जी चले गई और अन्य ऐसे बड़े लोग भी चले गए तो ये तो फिर राइट। आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट क्यों है? मैं आजकल फुल स्टॉप नहीं डालता, आप बोलते रहिए। मैंने बोल दिया, सब समझ गए जी। और उनकी अपनी भाषा, उनके शब्द इस और दिखा रहे हैं कि घबराहट किस बात की है जी। जो कड़ियां कल तक जुड़ती नहीं थी क्या वो जुड़ती नजर आ रही हैं? जो कल तक वो कहते थे मनगढ़ंत आरोप हैं क्या आज वो उतने ही पुख्ता सबूतों के साथ जुड़ते नहीं? वो कहते हैं कि आपने मन बना लिया उनको जेल भेजने की। देखिए इस देश की, जिस दिन आप उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जेल में भेजने वाले हैं मुझे, तो ये इनको लग रहा है शायद बिल्डअप वो कर रहे हैं। देखिए वो बिल्डअप खुद करते हैं, कहते आएंगे मनीष को जेल में डालेंगे, आएंगे मनीष। वो कहते कि प्रूफ कहाँ है कि मीटिंग उनके घर में हुई थी, जो एक अफसर ने कागज में लिखित तौर से कहा है 164 स्टेटमेंट में कि मीटिंग घर पे हुई थी, वो थे उनके प्रेजेंस में। वो जो कमीशन वाली बात थी 6 से 12 या 13% बढ़ाने की कमीशन जिससे पैसा बना, उन्होंने कहा मीटिंग उनके घर में हुई थी, 164 की स्टेटमेंट है। मगर आम आदमी पार्टी कहती है किसी से भी 164 लिखवाया जा सकता है। देखिए जो पूरे अधिकारियों की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उससे बिल्कुल उल्टी पॉलिसी इन्होंने बनाई है। इन्होंने कमीशन बढ़ाने का काम 4 से 12% कैसे कर दिया? ये ठेकों के ऊपर जितनी पॉलिसी, अब डिटेल में जाऊंगा तो 15 मिनट। वो कहते रेवेन्यू अर्न करने की कोशिश कर रहे थे, पैसे की जरूरत थी दिल्ली, दिल्ली की सरकार को पैसे की जरूरत, दिल्ली प्रदेश को थी, सरकारी खजाने को, ना कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। क्या चुनाव लड़ने के लिए गोवा और पंजाब के लिए पैसा लिया गया? क्या ये उस समय क्या दिल्ली में ठेकेदारों की कमी थी और कहां से आकर? वो कह रहे गरीबों के लिए, स्कूल बनाने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए हमें करना पड़ा। आज 9 सालों में सरकार के खजाने से तो कोई स्कूल बना नहीं, ना कोई नया कॉलेज बना, और मोहल्ला क्लिनिक की जो हालत है वो आपके सामने है। जब कोविड का समय आया तब लोग जब ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, बेड के लिए तरस रहे थे, तो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ थे? ना मोहल्ला क्लिनिक काम आए, ना अरविंद केजरीवाल काम आए। अरविंद केजरीवाल जी अपना महल 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन खर्च करने में कोविड के समय पे पैसा खर्च हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी और परेशानी भी हो सकती है
कि जब दिल्ली की जनता मजबूर थी, मदद मांग रही थी, अरविंद केजरीवाल जी अपने घर की रेनोवेशन 45 करोड़ रुपए में करवा रहे थे। ये वो लोग जो कल तक कहते थे सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, आज दिल्ली और पंजाब दोनों की सुरक्षा ली है, आज बंगले के साथ साथ बड़ी गाड़ी भी ली है, और क्या क्या लिया है उसकी जानकारी भी कभी अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अनुराग जी।